दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता प्रदूषण की मार झोल रही है। दिल्ली में हर साल इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा और सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती है या कहें कि हकीकत से परे है। दिल्ली में प्रदूषण का कोई परसेंटेज सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। दिल्ली में QI जिस रफ्तार से बढ़ रहा, लोगों की सांसों पर ब्रेक लगाने का काम कर रहा। इस प्रदूषण की अस्थमा और सांस के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। साथ ही अब ये प्रदूषण सामान्य व्यक्ति को भी बीमार कर रही है। फिलहाल बीजेपी दिल्ली में कई जगह मास्क बांटकर लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में रहना है तो मास्क अनिवार्य है। इसी क्रम में बीजेपी ने शाहदरा के अनाज मंडी स्थित भगवान परशुराम चौक पर मास्क वितरण किया। मैं शाहदरा के अनाज मंडी में खड़ा हूँ और यहाँ पर ये परशुराम चौक है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भगवान परशुराम की मूर्ति भी लगी है और यहीं से भाजपा ने जो है मास्क बांटने का, वितरण करने का जो कार्यक्रम शुरुआत की है और सीधे तौर पर दिल्ली सरकार पर हमला किया है, क्योंकि दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई जगह AQI कल 500 के भी पार रहा और लगभग कई इलाके ऐसे थे जिसपे 1000 का आंकड़ा भी छूने के लिए तैयार था। उसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है और मास्क वितरण कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि दिल्ली वासियों को मास्क लगाकर दिल्ली में रहना चाहिए। मैं परवेश शर्मा, देश दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से ये, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि अपनी दिल्ली की जनता को सुरक्षित रखें। केजरीवाल और आतिशी की सरकार की लगातार नाकामियों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। हैजार्ड लेवल से बहुत ऊपर प्रदूषण जा चुका है। जनता को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतरा है और अपनी जनता को, अपने दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए उनको मास्क बांट रहा है। प्रदूषण में जो है सांस लेने में तकलीफें हो रही है, सांसों की जैसे इमरजेंसी लग गई है, इसलिए दिल्ली वासियों को हम बता रहे हैं कि ये देखिए मास्क लगाइए, नहीं तो वरना आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। और इतने हार्ट अटैक के केसेस बढ़ चुके हैं दिल्ली के अंदर, और जो कि पराली पंजाब के अंदर जल रही है और प्लस क्या नाम है जो धुआं यहाँ पर आ रहा है उसके लिए कोई, जबकि पंजाब में भी सरकार उनकी है, तो इसीलिए ये मास्क दिए जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली ने, दिल्ली सरकार जो कि केजरीवाल की सरकार है, इसने कोई रोकथाम नहीं की। कल दिल्ली में 500 के भी पार रहा है, तो क्या मास्क लगाना काफी कारगर रहेगा या? देखिए अभी मास्क की नहीं, ऐसा यदि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रोकता नहीं, दिल्ली के वासियों ने इसको नहीं भगाया, तो हो सकता है ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर चलना पड़े और सांस लेने के समय ऑक्सीजन का सिलेंडर हाथ में रहो और ये स्थिति हो सकती है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली में इस समय, और सभी मानते हैं, कुछ टीवी चैनल्स ने तो बताया कि 1400 पार AI भी चला जा चुका है, तो जो कि ये 1400 का मतलब है दम घुटना। परसों तो स्थिति ऐसी हो रही थी और आपको भी, मेरे को लगता है कि ऐसी स्थिति है। आज तो भगवान के थोड़ा सा आशीर्वाद हुआ कि थोड़ा वातावरण साफ हुआ है, वरना नहीं तो इन्होंने तो दिल्ली को मारने का काम कर लिया। देखो हम तो, जो जनता है दिल्ली की वो ठगी महसूस कर रही है अपने आप को जब से केजरीवाल आया, और ये हर साल की परेशानी है। हम तो इसको एक दवाई के रूप में समझो कि कोई बीमार आदमी है उसको दवाई के रूप में ये मास्क बांट रहे हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। ये तो दिल्ली की जनता को जो इतना प्रदूषण दिया हुआ है इस केजरीवाल ने, और हर साल कहते हैं कि जी अब की बार नहीं अगली बार हम इसका समाधान कर देंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान उनसे नहीं हो पाया। हर साल यही कहते हैं कि जी हाँ हो जाएगा, लेकिन आज हर नागरिक को दिल्ली के सांस की परेशानी है, वो मास्क लगाने के लिए मजबूर है, क्यों ना वो दिल्ली की हवा साफ करते हैं। और ये तो हर नागरिक की मूलभूत सुविधा है कि वो सांस तो ले, कम से कम जो प्रकृति का नियम है वो तो फॉलो करना ही चाहिए ना। तो उसको भी अगर केजरीवाल जी नहीं दे पा रहे बिजली पानी, तो आप देख ही रहे हैं कि किसी का 10-10 हज़ार का बिल आता है और पानी गंदा है। आप दो हॉस्पिटलों में मेरी भी बात हुई है, बेड भरे पड़े हैं कि जी अस्थमा इतना फैला हुआ है, तो आने वाले चुनाव में जनता जो इनको सबक सिखाएगी। दोनों तीनों जी शारदा के क्षेत्र में आज मास्क बांट रहे हैं, क्या दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये मास्क वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। इसी निमित्त आज हम, हमारे जिलाध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद भरत गौतम, हमारी बहन मंडल अध्यक्ष और साथ में किशन शर्मा जी, हम सब यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं। जिस तरीके से केजरीवाल सामने और आतिशी मल्ला की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा को बढ़ाया है और दिल्ली के लोगों को कुछ निजात मिले, उनको जागरूक रहें कि वो अगर थोड़ा सा मास्क लगा के रहेंगे थोड़े अपने लंग्स को ठीक करेंगे,
इसी निमित्त हमारा कार्यक्रम है, हम ये जब तक प्रदूषण रहेगा दिल्ली के घर घर में ये मास्क का वितरण करेंगे।